कहते हैं आगाज ऐसा हो तो अंजाम कैसा होगा। हमें डर इस बात का नहीं कि मुहीब का क्या होगा। मुहीब तो मुबशरा को तलाक दे चुका है, लेकिन जो हाल जैद का होने वाला है हम वो देखने के लिए बेकरार हैं। तो यहाँ हम एपिसोड 6 में आपसे शेयर करेंगे कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। आयजा खान और वहाज अली का ये ड्रामा मैं ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जा रहा है इस टाइम। भाई अदाकारी की बात की जाए तो हैट्स ऑफ टू आयजा खान, उसने ऐसी अदाकारी की है पहली ही 4-5 एपिसोड्स में हिला के रख दिया है। और अभी आगे भी आप देखेंगे कि आयजा खान तो छा गई हैं, लेकिन किसी रिलेशनशिप के लिए इतनी पागलपंती मुझे समझ में नहीं आ रही। मतलब एक साइको औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना अपने आप को भी पागल करने के मुतरादिफ है। और अब ये करना चाहती हैं दूसरी शादी, और दूसरी शादी के लिए ऑफ कोर्स वहाज अली यानी जैद ही बली का बकरा बनेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि 6 एपिसोड में होगी वहाज अली और आयशा खान की शादी। वहाज अली जो कि अभी तक अपनी एक्टिंग में वो कारनामे अंजाम नहीं दे सके जो इस ड्रामे में आयशा खान ने कर दिखाया है। सेकेंडली जैद की आयरा के साथ मोहब्बत की भी कोई समझ नहीं आ रही, ना कोई रोमांस है और ना ही कोई एक्टिंग स्किल्स, सच्चा स्लो मोशन मोहब्बत। अब देखना यह है कि जैद और मुबशरा की मोहब्बत कैसी होती है, मुबशरा पहल करेगी या जैद इस मोहब्बत में पहल करेगा। जैद और मुबशरा की शादी के बाद ड्रामे में और भी ज्यादा ट्विस्ट और बहुत ही ज्यादा इंटेंस सीन्स देखने को मिलेंगे, लड़ाई झगड़े मोहब्बत प्यार और बहुत सारे इमोशन से ये ड्रामा भरा हुआ होगा। दूसरी तरफ मुबशरा का भाई रेहान जाफर और जैद की बहन कश्माला की बढ़ती हुई नजदीकियों से और भी ज्यादा ड्रामे में ट्विस्ट आने वाले हैं। और आई थिंक मुबशरा और जैद की शादी का सबब भी ये दोनों बनेंगे। मुबशरा और जैद की शादी के बाद इन दोनों की भी शादी हो जाएगी, लेकिन आए रोज जैद और मुबशरा में लड़ाई इन दोनों की जिंदगी में भी दड़ाड़े डाल देगी। जैद और मुबशरा की शादी में जैद के बाप का ज्यादा हाथ होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुबशरा के बाप जाफर से जायदाद के लालच में जैद से मुबशरा का निकाह तो कर देगा, लेकिन ये रिश्ता कितनी देर टिक पाएगा ये तो किसी को भी नहीं पता। जैद कितनी देर तक मुबशरा का पागलपन बर्दाश्त करेगा और मुबशरा अपनी मेंटली हालत से कब बाहर आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। मुबशरा अपनी मैं अना और जिद में जैद से शादी तो कर लेगी, लेकिन उसको निभा पाएगी या नहीं। इन सब सवालात के जवाब देखने के लिए देखते रहिए क्विक खबर। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे क्विक खबर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।